जी अस्सलाम वालेकुम फरदीन, कहाँ आए हैं आप आज? हम हॉट पॉट मिस्ट्री आए हैं, सूप पिए। ओके, कैसा लगा आपको सब ये यहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह सब? अभी तक तो ये आपके पास ये रख कर गए, अब आप ऐसा करिए यहाँ में अभी वो चूल्हा जला कर देंगे और आप हमें सब पका के दे दीजिएगा, ठीक है ना? सही है। कैसा बना कर दोगे? जैसा आपको पीना बताइए। ओफो, आप तैयार कर देंगे हाँ फरदीन? आग तो जल चुकी है, ये आग कहाँ कहाँ लगी है फरदीन, प्लीज़ मुझे बता दो। कैसी बातें कर रही है क्यों ये आग कहाँ कहाँ लगी है? हेलो मेरे भाई बेटे, हेलो, हम मम्मा को बना ले। अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते ना बेटा। अब मैं इसका कैप्शन डालूंगी। भाई सब लोग कमेंट में बताना ये पहनते हैं अच्छा या लड़कियां नहीं पहनते, ये लड़कियों का बहन को दे दें प्लीज। सब्सक्राइबर से पूछ लीजिए प्लीज, बहन बैठी है आप उन्हें दे दीजिए। अभी थोड़ी देर में आ जाइएगा यार, ये इस पे पक जाएगा। आपने कच्चा कुच्चा हमें ला दिया। अच्छा जी, कितने घंटों में आ जाएगा? आ जाएगा ये इतनी मिन्नी मिन्नी आग पर। और ये चिकन हम कच्चा ऐसे नहीं खाएंगे यार, मैं पका के ला कर दे रहे हैं। हाँ वही तो यार, ये तो मेरे फेवरेट है इनोकी मशरूम्स। और ये आ गए, ये तो यार वो वाला नहीं है, ये मैं जो लोटस बोला था आप लोगों को। हमने मंगवाई है इनसे कैबेज, चाइनीज कैबेज। फिर पहन लिया आपने फरदीन। और ये कौन सी है? नूडल्स। कौन से नूडल्स हैं ये? रैमेन फ्राइड नूडल्स। अब ये बॉईल तो जब आएगा ना कि जब हम इसका कैप भी लगा दें। थोड़ा वैसे सीखा भी नहीं, गर्म होगा, छूना नहीं। यार ये इसमें तक पानी तो बॉयल हुआ नहीं है, ये सारा सामान कैसे पकेगा? समझ से बाहर ये नूडल्स दे दिए यार, समझ में नहीं आ रहा। फरदीन जो है उसे दबा के बैठेंगे यार इसी उसको जो है ना ऊपर से दो उधर से कैसे स्टीम इसके निकले ना, और ये जल्दी से पक जाए। इतने मजे से इसने हाथ रखा है, देखिए जब फरदीन का हाथ नहीं पकड़ा तो उसका क्या नाम है, इसमें खाना कैसे पकेगा? सोचने वाली बात है यार। अभी मैं लेकर आती हूँ घर में, ये सारा सिस्टम है तो मैं घर में पका पका के दूंगी। घर में उसमें किसमें वो तो वहाँ ना, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप टेबल पे बैठकर ऐसे बनाओ ना, असल तो वो किचन में तो सब कुछ बन सकता है। मैं ये बोलूँ ये लेकर आएंगे ना, ये हम भी चाह रहे थे कि बहुत लेजी से साइड टेबल पे बना लें। लाइक ताशी फरदीन है ना, मतलब अपनी बात बता रही है यार। फिर आपके जहेज में ये मुझे बहुत सारे ऐसे बर्तन भेजने पड़ेंगे जो आप अपने डाइनिंग टेबल पे, यार ये तो फिर ऐसे होगा ना, ये गोल्ड के बनवा देंगे, गोल्ड प्लेटेड। एटलीस्ट चांदी का तो हो। शेखा मेहरा की शादी होगी ना तो उसको मिल जाएंगे। शेखा मेहरा जो लोग जानते हैं फिर वो समझ गए होंगे। अच्छा शेखा मेहरा, मेहरा शेखा मेहरा, वो तो 2014-15 में हमारे घर वो आती थी ना, झाड़ू लगाने आती थी, झाड़ू लगाने आती थी यार। चले जी अब ऐड करें इसमें, सारी डालनी एक एक नहीं डालनी। हाँ आप पहले ऐसे डाल दो, वो खुद ही पी लेना। Gracias.
ये मैंने थोड़ा सा फरदीन से कहा कि फरदीन बेटा ये आप जो है इसमें जो ऐड कर दें, तो ये साहब जाते थे यहाँ पर गिरा दी। तो आप आपको मैं ये तो नहीं बताऊंगी ये काम मैंने किया है, ये काम किसने किया फरदीन आप बताएं। हाँ ऐसे होते ना बच्चे, अच्छे बच्चे फौरन जो है वो माँ की बुराई अपने सर ले ली, फौरन हटा दिया आपने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मशरूम स्प्रे हो जाए। तो आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं, मुझे थोड़े से नूडल्स जो है वो भी कच्ची लगी हैं, कच्चा बादाम लगे हैं, अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनी नहीं है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा आ रहा है इसमें। आपके हस्बैंड का है सेटी लाइफस्टाइल? वो गए हैं कहाँ? और आपके और भी दो अदद बच्चे हैं वो कहाँ हैं सेटी लाइफस्टाइल? वो पापा के साथ शॉपिंग में गए हैं। तो सेटी लाइफस्टाइल आप क्यों खाना खाने आए हैं? ये खाना नहीं, सूप पीने आई हूँ, खाना थोड़ी मैं इसके बाद जाके खाऊंगी भाई। और ये कच्चे कच्चे नूडल्स अभी हमें नहीं खाने, मजीद चंद मिनट्स और लगेंगे तब बनेगा। नहीं कच्चा कच्चा नहीं, वो कच्चा कच्चा फरदीन को इसकी जो है ना ये आवाज बहुत सेटिस्फाइंग लग रही है, कह रहे मम्मा बड़ा और फरदीन बताइए ना कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा भाई। Not bad. एक तो मैंने खुद बनाया ना इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? ये कच्चा कच्चा निकलने आ रही है। इस बार आपने देख लिया ना? होता है सबसे। फरदीन ने लगा बिल्कुल हाफ स्टार भी नहीं है ना इसने, वो क्या कहते हैं टिप भी नहीं दी। ठीक भाई मैंने कहा बेटा, मैंने कहा ये क्यों लिया कर, नहीं मम्मा मुझे नहीं देना, पकाया भी आपने और ये बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी जब हम आए ना तो इन्होंने हमारे लिए खोला था। ओह माय गॉड, अब क्या खाओगे आप फरदीन यार? ब्रॉडवे चलो आप खा लो, हमारे तो बिल्कुल पेट में गुंजाइश नहीं है। ओके क्या लाएं अब आप? आपको तो वो पसंद नहीं आया था ये सूप, तो भाई मुझे पसंद नहीं आया। ठीक हो गया तो फिर मैं नहीं आया। एक स्लाइस ओके कोल्ड ड्रिंक छोड़ें वो दिखाइए। जी जनाब, तो बस फरदीन ये अपने लिए पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आए और इन्होंने ये पिज़्ज़ा विज़ा खाया, हम लोगों का तो जो है उसी सूप से हमारा जो है पेट भर गया था, बस हमारा तो उसी सूप से जो है वो पेट वगैरह भर गया था, फिर ये हम लोगों ने अपना खाया पिया, मतलब ये हमारी सहरी थी, हमने सहरी करी, उसके बाद हम घर आ गए। तो ये हमने एक छोटा सा जो हमारा एक्सपीरियंस था हम लोगों ने आपके साथ भी शेयर किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।